बहुत ही सर नेक काम किया है सर आपने, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए क्या है सर, थोड़ा जानना चाहूँगा। बहुत नेक काम किया है, इसके बारे में बताइए। ये जो नेक काम किया है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ जी सर, शुरुआत इन्होंने की और मैंने उसको फॉलो, मैंने अरेबिक क्लाउड से लगभग यस। तो मेरे ख्याल में यकीनन ऑलमाइटी गॉड ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जी और भी जो हम अल्लाह को ईश्वर को जिस नाम से पुकारते हैं, मेरे ख्याल में वो खुश तो ज़रूर हैं। 101% वो खुश तो ज़रूर हैं कि हमारे किसी व्यक्ति ने जिनको हमने जन्म दिया और उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए, क्योंकि इसका पढ़ेंगे ना आपको वो, ये अपनी जन्मभूमि के लिए ये कर दिया। आप पढ़ रहे हैं? जी 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 पढ़ रहे हैं। और अवर मदरलैंड किया, क्या बात, और अवर मदरलैंड इंडिया इंडिया। और उसका एक और जो बहुत बड़ी मैं कहूँगा अचीवमेंट एंड हौसला, कि किसी का कोई डोनेशन नहीं है, किसी से डोनेशन नहीं लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं, नो, जो हमारा है उसी का। और ये बहुत, ये उसी का जो है इतनी बड़ी ट्रस्ट हो जाएगी कि लोगों को बहुत लाभ होगा। और अवर मदरलैंड उसको सबको इसको लाभ होगा, ज़रूरतमंद के काम आए तो अच्छी बात है। आपको कब लगा कि सिनी एम्प्लॉयज के लिए इस तरह का चैरिटेबल शुरू करना चाहिए, आपको कब लगा ऐसा, क्यों लगा? तो मैं बहुत देखती थी जो काम कर चुके होते ना उनको सफ़र करते हुए बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी, मैंने बहुत से लोग देखे थे तो मेरा दिल तड़प जाता था। तो मैंने कहा थोड़ा सा यही करते, अच्छे दिन देखे हुए जिनको हमने देखा हुआ और वो टूटे हुए उनको देखा, दोनों पहलू देखे। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो रहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो भी रहते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, वो काम करते दिन रात लेकिन उनकी जो सेफ्टी होती है एम्प्लॉय की वो ध्यान नहीं रखा जाता है, आपको ऐसा लगता है? जो आप कह रहे हो वो मौजूदा इंडस्ट्री की है, और भाभी जी ने जो कहा है कि एक एज के बाद, एक एज के बाद जब आपने इंडस्ट्री में सर्व कर दिया, तब तक तो कर दिया अपने जवानी के दिनों में, लेकिन एक एज के बाद जब आप काम नहीं कर पाते हो और उस दिनों में जो उनका बुरा वक्त होता है, ये भाभी जी का कहना है, ये उनका है। अब जो काम कर रहे हैं उनका मेडिकल या वो अलग है, लेकिन एक जब एज के बाद आप रिटायर्ड हो जाते हो, आप घर पर रहते हो, आपको इंडस्ट्री काम नहीं मिलता है, एज के बाद उस वक्त जिन्होंने बुरा दौर देखा है, भाभी जी वो कहना चाहिए। किस तरीके से आपको आइडिया आया कि इस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए? मैंने काफी लोगों को देखा, लोगों की इस तरीके से मदद करनी, मैंने लोगों को देखा तकलीफ में, जो इतने अच्छे अच्छे अच्छी तरह से रहते थे उनको मैंने बाद में तकलीफ में देखा तो मेरा दिल बहुत दुख जाता था कि क्या थोड़ा सा शुरू किया। अब देखिए सब क्या है कि फेडरेशन और एसोसिएशन अपने वर्कर के लिए बहुत कुछ करती है, क्या गया? मगर ऐसे महान लोग कम पैदा होते हैं जिन्होंने शुरुआत की है जी। न इसके पहले कोई किया है, न अब तक कोई कर रहा है। यही लोग हैं जिनके मन में इतना विचार आया कि अपने पैसे, अपने मेहनत के पैसे वर्कर तक पहुंचाए, क्योंकि वहीं से आया है,
वर्करों के साथ ही मिल करके काम किया गया है, ये लौटा रहे हैं, अपने आशीर्वाद को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा काम जो है, हम तो चाहेंगे कि इनकी उम्र इतनी लंबी हो ताकि वर्कर इनके साथ हमेशा जुड़ा रहे, उसका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। और जो प्रेम दिखाया इन्होंने, ऐसी इंडस्ट्री में बहुत से पैसे वाले, बहुत से करोड़पति, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सब आए, खय्याम साहब नहीं कोई दूसरा हो सकता। सर आपसे जानना चाहूँगा, सर लोगों तक वर्कर तक ये पैसा किस तरीके से पहुँचेगा? और बेटा ये खयाम साहब और जगजीत कौर, जी जी जी, मस्त सर, ये नाम जब भी एक का लिया जाता है दूसरा नाम तो ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक के लिए ये भी सही, एक के बगैर तो एक नाम ही पूरा है ही नहीं, अधूरा ही है। तो ये हम पैसे को फेडरेशन जो है वर्कर को मेडिकल के थ्रू, उनकी ज़रूरतों के थ्रू बड़ा चैरिटी करते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं हम लोग अपने स्टैंडर्ड में, मगर इस सपोर्ट के बाद हमारा स्टैंडर्ड और बढ़ा हुआ है। लोगों को बताने के लिए हुआ कि ऐसे इंडस्ट्री में लोग हैं कि उन्होंने वहाँ चैरिटी किया है जहाँ से उनको लगा कि कुछ फ़ायदा है। इन्होंने जो चैरिटी किया है, इन दोनों लोगों ने, ये सिर्फ आशीर्वाद के लिए किया है जी। तो ये ऐतिहासिक पुरुष हैं, मैंने बहुत से लोगों को 40-50 साल में देखा। अभी इसका कितना, किस तरह वो हो रहा है सर? अभी जैसे फेडरेशन ने एक एम्बुलेंस ली है, एक एम्बुलेंस है फेडरेशन के पास, वो मेडिसिन्स लेके घूम रही है, हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। तो ये वर्कर्स के पास तो मासिक पोजीशन, मैं कामत साहब को बोलूंगा कि ये मासिक या वार्षिक नहीं, इसका इसमें सब दो तीन साल बाद ना इसका अमाउंट बढ़ा देना। ये सिर्फ 1.5 लाख नहीं रहेगा, इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये फेडरेशन तो देखिए कितनी बड़ी है। खयाम साहब के मुंह से भी आप सुनी रहे, तो वो बढ़ा देना। ये जरूरतमंदों को दिया जाता है, जो जिनका चल रहा है उनको नहीं, इसमें कैसे बांटेंगे? जो जरूरतमंद है वो हमारा मेंबर है, फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, उसकी आउट ऑफ वे जा करके उसकी हेल्प करते हैं हम लोग, मगर उसे बताया जाता है इस डोनेशन में किस किस लोगों का हाथ है, कहाँ से पैसा आया, उनके लिए स्पेशल बातें की जाती हैं। पैसे तो बांटे जाते हैं बहुत कुछ, हम यहाँ उनका नाम लेके वो नहीं बताना चाहते हैं, लोगों जिनको किया है उनका नाम नहीं बताना चाहते, हमने अब तक किसी से सोर्स लगाया नहीं, इसलिए वो चीज़ें हम यहाँ ओपन नहीं कर पाए। हमें किसी ने कभी न कोई ऑफर किया है, न कोई बुलाया, ये पहले शख्स हैं और ये आखिरी शख्स भी हैं, इतना भी जान लीजिए। इतने हौसले किसी के पास नहीं है, इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से देखा हमने, लोग सोचते हैं खाली अच्छी बातें, जब ये अनाउंस करते हैं, जब ये बातें आपके मीडिया के थ्रू जब ये जाएगा टीवी तक, लोगों के पहुँचेगा, तो हर किसी के मन में ज़रूर पैदा होगा कि मुझे भी करना चाहिए, मगर मन में पैदा हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, निस्वार्थ भाव से, जितने तजुर्बे हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है खयाम साहब ने और भाभी जी ने जो किया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बस हम लोग इनको आशीर्वाद के रूप में लौटा रहे हैं, ईश्वर इनको, कितनी हिम्मत है पहली बात तो, चेक लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं मगर ये खुद उठकर गए, इससे बड़ा तो दान कोई हो ही नहीं सकता। उस पैसे को आप अमाउंट से मत देखिएगा, आंकड़ों पर मत जाइएगा, एक आदमी की इतनी बड़ी श्रद्धा है कि वो अपने हाथ से जाए, चेक लेकर आए और दे। तो ये 91 में ये हालत है, तो सोच लो 100 में कितनी कैसी रहेगी। अब तो ये तो दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर आपने कह ही दिया, तो अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पूछना सर आपसे कि रमजान शुरू होने जा रहा है, कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? रमजान शुरू हो रहे हैं, शुरू होने जा रहे हैं,
तो कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देना चाह रहे? शुभकामनाएं, गुड विशेस। देखिए रमजान की शुभकामनाएं तो सबको है ही, रमजान शुरू होने जा रहे हैं तो आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। इजाजत है हम लोगों को? हाँ, तो अच्छा अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, आ गए नीचे हैं, बिल्कुल आने दीजिए। कौन गाएगा ऐसा? ये आपका प्यार है बहुत बड़ी महान हस्ती, और बहुत अच्छा गाना गाती है नीताशा सिद्धानी। हालांकि ये सीट हमने ये खाली कर रखी थी, ये ये वो हस्ती हैं, दानी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, अपनी कला के जरिए मानवता का पैगाम देने वाले। लेकिन मेरी जगह यहाँ है और यहाँ मैं हमेशा बैठता हूँ और आई एम प्राउड ऑफ ये आप मेरे बेटे हैं और इतने बड़े इस हस्ती और इनके पिताजी पुरुषोत्तम जी मेरे बड़े भाई, उनकी पत्नी बड़े भाई की हमेशा रही, तो वो और इतने सुरीले अगेन इतनी शिक्षा, ऐसा लोगों को वहीं से आपको मिला, तो ये मतलब मेरे को शब्द जो है इनके लिए कम पड़ रहे हैं। आज क्या हो गया अपने बाहर इतने, वो कहाँ से फ्लाई करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह, यानी उन्होंने ये टाइम बिल्कुल कैसे एडजस्ट किया, कैसे, तो आप उसका क्या जिक्र करना आपके सामने है। कितना भी शुक्राना करें कम है। मैं इनका बच्चा हूँ और ये वैसे ही मुझे प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अगर दानी की बात होती है तो इनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? खयाम साहब से बड़ा दानी और जगजीत जी से बड़ा दानी और कौन होगा? जो कहते हैं कि दान वो सबसे बड़ा होता है जो इंसान अपने हाथ से देता, हाथ से दे रहे हैं। ऐसा बहुत होता है कि लोगों ने वहाँ भेज दिया पैसा, उधर से वहाँ भेज दिया, उधर से वहाँ, यहाँ डायरेक्ट जो दान है वो बहुत बड़ा दान है। और मैं हमेशा से ही उनको आदर देता आया हूँ, अपने पिता समान। वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, मेरे पिताजी इनसे बहुत प्यार करते रहे। और जगजीत जी को वैसे जब मिलता हूँ मैं वो गाना गा देता हूँ रंजोरम अपनी परेशानी मुझे क्या क्या गाया आप? वो राज वो लाना, वो जो बड़े बड़े वाला है, छोटा लाने हाँ ये इनसे खड़ा होना पड़ेगा। दिलीप जी एडमिशन के दिलीप जी साहब सामने देखिए ऊपर अच्छा मत
ये केक हम लोग दो बार ले चुके हैं। बार बार लेना चाहिए। ये पूरा ट्रस्ट उनकी, उस ट्रस्ट की पूरी कमांड अनूप जी के हाथ है। इनका कोई भी ऑर्डर उसको कोई ना नहीं बोल सकता, जो इनका होगा जो हमारा सेल्फ रूल और उसमें हम कर रहे हैं उस पर पूरा हमने अपना पूरी बिल बनाई है। वो यहाँ तक कि हम पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को पहुँचाएँगे वो ये क्या बिल है। हमारी बिल एक किस्म की और ये बैंक में रहेगी, कमिश्नर ऑफ चैरिटीज में रहेगी और अनूप जी जो चैरिटीज करते ही रहते हैं बहुत। एक हमारा फाउंडेशन है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन और यूं है अनूप जी वो है कि कोई व्यक्ति, ये एक लफ्ज साफ बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति अनूप जी के हाथ से खाली हाथ नहीं गया, कोई भी आया अपनी अभी बोल रहे हैं जो हमारा ट्रस्ट है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट, उससे हम काम करते रहते हैं और मुझे जो जिम्मेदारी खयाम साहब ने दी है मैं इस लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसको अच्छा संभाल सकते हैं। जितने भी हमारे सिंगर्स हैं सब बहुत इज्जत करते हैं खयाम साहब की, जगजीत जी की, तो ये जिसको कह देंगे वो करेगा, अपना कर्तव्य समझ के करेगा और इनका हुक्म समझ के करेगा। तो मुझे ये इन्होंने मौका दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो मैं वचन देता हूँ आपको कि शुक्रिया कि हमेशा ये काम तरीके से हो। वचन बस तरीके से मैं वचन देता हूँ, आज्ञा चाहूँगा। सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि किस योग्य व्यक्ति को ये पैसा चाह रहा है। यस, बात पैसे की नहीं, ये बहुत जरूरी है। योग्यता के कहते हैं कि योग्य पात्र तो सुपात्र चाहिए, उसको दिया जाए जो सुपात्र। अगर कभी ये कुपात्र को एक पैसा भी चला गया तो वो गलत हो या गलत हो, सुपात्र जो इसकी योग्यता रखता है, जिसका हक बनता है, उसको ही चीजें मिलनी चाहिए और उससे ही दुआएं मिलेंगी। ये बहुत अच्छा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ, अब भले जब उसको मंजूर है मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं, लेकिन ये फिक्र था कि कौन संभालेगा। तो ये हमने अनूप जी को ये चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी के, ऑल मैनेजिंग कमेटी के ये अनूप जी चेयरमैन, तो उनकी गाइडेंस, उनकी सुपरविजन और उनका एक्सपीरियंस एवरी सफेयर, सो अब हमें बहुत तसल्ली, जिंदगी में तसल्ली बहुत कम मिलती है इंसान को, सच बात, लेकिन हमें वो तसल्ली मिल गई। वो जो एक लगा हुआ था वो पंजाबी टोन में ना तरबू हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं धरबू, यानी वो चेंज, वो चीज़ हमें बेचैनी वर्ड है, तो बेचैनी मैं आपकी आज देखिए पूरी तरह खत्म करके चैन दे रहा हूँ। चैन दे रहे हैं। जय जय, शुक्रिया शुक्रिया।
सर आपका क्या रिएक्शन था सर जब सर ने पहली बार आपको सब बताया इस तरीके से ऐसे होगा एंड फेडरेशन के बारे में बताया और आपको चुना गया तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए हम जितने सिंगर्स हैं, मैं हूँ, तलत अज़ीज़ हैं, सुरेश वाडकर हैं, सोनू निगम हैं, हम लोग सब इस बारे में पहले बात कर चुके हैं कि खयाम साहब हम ही सबको ये काम सौंपने वाले हैं और हम लोग उसको करेंगे, नाम किसी का भी हो। इन्होंने मुझे सौंप दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, हमारे जितने सहायक लोग हैं सब इसमें हमारी मदद करेंगे, सब मदद करेंगे। कल किसी को कुछ देना हो तो वो देने के लिए सोनू निगम आ जाएंगे अपने हाथ से देने के लिए। हर व्यक्ति इसमें हमें मदद करेगा, लेकिन ठीक है, मुझे इन्होंने एक इसका मुखिया बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, काम करूंगा। शुक्रिया। लेकिन सभी आपके साथ हैं ये भी बता देते, आपको पता भी है, सब आपके साथ। जी जी, थैंक यू भाई, थैंक यू बेटा। सो अनुजी से और कोई बात पूछ रही है वो सारी बातों का जवाब दे देंगे। मुझसे ये लोग कुछ पूछ रहे नहीं है, सब पता है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि ये गरीबों जो सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प नहीं मिलती है, मेडिकल सर्विसेज नहीं रहता है आर्टिस्ट लोगों को या जो लोअर लेवल में काम करने वाले लोग रहते हैं? देखिए बहुत से बदलाव आ रहे हैं, हम लोगों को एक प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश के लिए वरदान है, मोदी जी इस देश के लिए एक वरदान है, उनके कारण बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोगों को सहायता मिलना शुरू हो गई है, लोगों को इस तरह के फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि जो हमने इतनी ब्लैक मनी पकड़ी है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होगी, कल भी उनका स्टेटमेंट था। यहाँ जो ज़रूरत वाला है व्यक्ति वो हमें कॉन्टेक्ट करेगा और हम उसकी थोड़ी छानबीन करेंगे। ऐसा भी बहुत होता है कि हमने किसी को पैसे दिए और उसने उसी दिन शराब पी के उड़ा दी, ये तो अक्सर भी ये बहुत होता है। तो हम किसी ने कहा कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल में हैं, तो हम हॉस्पिटल जाके पैसे दे के आएंगे। जी जी जी, उसको पैसे नहीं देंगे उसकी बीमारी के लिए, जो स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल में जाके फीस दे के आएंगे। क्योंकि ये बहुत केसेस होते हैं कि मालूम हुआ कि मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि मेरी वाइफ मेधा ने मुझे एक बार एक सजेशन दिया कि कार में अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे और सब भिखारी आ जाते हैं कुछ पैसे मांगने के लिए, तो आप क्यों ना बिस्किट्स के पैकेट रखना शुरू कर दीजिए। तो मैंने बिस्किट्स के पैकेट कार में रखना शुरू कर दिया और जैसे कोई बच्चा भिखारी नज़र आया तो उसको मैं बिस्किट के पैकेट देता था। एक दो बार तो उसने लिए, फिर उसने लेना मना कर दिया, बंद कर दिया, वो कहता मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उसको पैसे से फिर सिगरेट खरीदनी है।